और ये व्यू देखिएगा, इसका जबरदस्त व्यू आ रहा है। और यहाँ पे गाड़ियों का हॉर्न जो आ रहा है ना, क्लास ही बिल्कुल। और जो व्यू अराइवल हमारा हो चुका है किसी रेलवे स्टेशन पर, हम यहाँ पे उतर जाएंगे, कुछ खाना पीना लेंगे और फिर वापस हमारी ट्रेन में जर्नी शुरू करेंगे, धमाकेदार जर्नी। यहाँ तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम गेम प्ले करने वाले हैं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी रेलवे स्टेशन पर आया हूं बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहां पे मेरी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। आज हम वातानुकूलित मतलब की AC कोचेस में जर्नी करने वाले हैं। वातानुकूलित एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और यहां पे हम पहुंचेंगे बहुत जल्दी। और यहाँ पे सामने देखिए, हमारी ट्रेन का अराइवल भी हो चुका है। आज हमें AC में है जर्नी करना है। आज हमारा जो है AC कोच में रिजर्वेशन है। हमें बहुत जल्दी, अच्छा हुआ हम टाइम पर आ गए। अगर ये ट्रेन निकल जाती तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन आने में बहुत टाइम था, और हमारा रिजर्वेशन भी AC वाली ट्रेन में था, इसलिए हमें AC में बैठना पड़ेगा। आगे चिपक के चलते हैं इससे और देखते हैं हमारे कोचेस कहाँ गए। भाई ये तो जनरल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे अंदर तो नहीं जाने दे रहा ये, ठीक है, क्योंकि हमारे रिजर्वेशन है AC कोच में, लेकिन हमारे वातानुकूलित कोच पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए। हमें यहाँ पे ढूंढना होगा हमारे यहाँ पे AC वाले कोच यहाँ पे कहाँ पे गए। ये आ तो रहे हैं, लगता है यही AC वाले कोच है। ओके, तो यहाँ पे वातानुकूलित हमारे AC वाले कोच आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए, वातानुकूलित का भी मैं आपको मतलब बताऊंगा, लेकिन हमें यहाँ पे पहले थोड़ी देर बैठ लेते हैं, हमारी ट्रेन का वेट करेंगे निकलने का। और यहाँ पे वातानुकूलित AC 3 tier, यहाँ पे 3rd AC में हमारा आज का जर्नी होने वाली है। रिजर्वेशन हमारा आज AC 3rd AC में है, तो बहुत ही जबरदस्त जर्नी होने वाली है। और मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे हम चढ़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारी रेलवे जंक्शन तक जर्नी नहीं होगी। आज हम दो ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं, दोनों हमारी ICF येलो कोच वाली ट्रेन होंगी। पहली ट्रेन तो ये रही, इससे हम जाएंगे रेलवे जंक्शन तक, और दूसरी ट्रेन होगी वो हमें मिलेगी रेलवे जंक्शन से दूसरे स्टेशन तक। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे के यहाँ से निकलना शुरू कर दिया, जल्दी से हम इसमें जाना होगा, क्योंकि अगर ये ट्रेन निकल गई तो दूसरी ट्रेन नहीं आने वाली। काफी देर बाद यहाँ पे ट्रेन आई, तो हम फाइनली इस पर चढ़ गए, सीट का बटन दबाएंगे और यहाँ पे इंजॉय करेंगे यहाँ पे विंडो सीट से। अब मैं आपको बता दूं कि हम आज जर्नी करेंगे रेलवे जंक्शन तक, और रेलवे जंक्शन पे एक ट्रेन, आपको पता हुआ कि एक ट्रेन आती है और वो वहीं से बैक होके वापस जाती है, तो उस ट्रेन में हमें जर्नी करना है, मतलब कैसे तो भी करके हमें उस ट्रेन को पकड़ना होगा। अगर वो ट्रेन वहाँ से निकल गई तो फिर हम वहाँ फंस के रह जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी वहाँ पे पहुँचना होगा। और गाइस, मैं आपको बता देता हूँ वातानुकूलित का मतलब। तो वातानुकूलित, अगर आप उसे दो पार्ट में डिवाइड करें, मतलब एक वाता और अनुकूल, वाता अनुकूल, तो वाता मतलब होता है वातावरण, किस वातावरण, जैसे सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, या रेनी सीजन है, तो ये वातावरण हो गया। और जो पीछे का अनुकूलित होता है, अनुकूल, वो वातावरण के अनुसार जो AC का टेम्परेचर है वो इंडियन रेलवे द्वारा किया जाता है, इसलिए कोच के ऊपर लिखा होता है वातानुकूलित। वातानुकूलित उसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, मतलब वातावरण के अनुसार उसके टेम्परेचर को किया जाता है। अगर गर्मी है तो टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, और अगर सर्दी आती है तो टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है, इससे गर्मी लगने लगती है कोच के अंदर। AC का मतलब ये नहीं है कि गर्मी के मौसम में उसमें AC चलती है, ऐसा नहीं है। आप उसमें सर्दी के मौसम में भी जाएंगे तो आपको कोच अंदर से गर्म मिलेगा, इसलिए उसे वातानुकूलित बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी हो गई, आपको पता था या नहीं आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी पहली बार मिली। लेकिन हम कुछ ही टाइम में पहुंचेंगे रेलवे जंक्शन पर, और रेलवे जंक्शन पर क्या हमें देखना होगा, हमारी ट्रेन रुकेगा इस। तो यहाँ पे हम रेलवे जंक्शन पर अराइवल हो चुका है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन रिवर्स होकर जा रही है जिसमें हमें जाना है। क्या हम रेलवे जंक्शन पर पहुँचना चाहिए प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँचे तो हमारी ट्रेन आंखों के सामने से निकल जाएगी। हम एक काम करते हैं, यहीं से जंप कर जाता हूँ, दौड़ के चलते हैं, उसमें बैठ जाएंगे। तो जल्दी से दौड़ के चलते हैं गाइस, और इस ट्रेन को हमें पकड़ना होगा। अगर ये ट्रेन यहाँ से निकल गई तो यहाँ पे हम रेलवे जंक्शन पर ही फंस के रह जाएंगे, आज हमें रात यहीं निकालनी होगी। और यहाँ ट्रेन स्पीड पकड़ रही है, हमें भी जल्दी स्पीड पकड़ के चिपक के चलते हैं, जल्दी पहुंचाएंगे, इसमें चढ़ जाते हैं। फाइनली गाइस, हमने हमारी ट्रेन को पकड़ लिया है। लेकिन ये क्या, ये तो यार हम आगे वाले विकलांग वाले कोच में आ गए, आज का दिन ही खराब है, हम जल्दी में कुछ भी कर रहे हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पे उतर जाते हैं और आगे चलते हैं, आगे वाले कोच में चढ़ेंगे, ताकि हम कोच के अंदर ही अंदर AC वाले कोच में पहुंचा। चढ़ जाने दे यार, जे चढ़ने नहीं देता, बड़ी दिक्कत आती है, रेलवे प्लेटफॉर्म से हम आसानी से चढ़ जाते हैं। फाइनली यहाँ पे हम यहाँ पे चढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारी जर्नी होगी रेलवे जंक्शन से रेलवे स्टेशन तक। तो यहाँ पे सेकंड ट्रेन हमारी, लेकिन यहाँ पे व्यू देखिएगा, इसका जबरदस्त व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ भी आप सुन सकते हो, और वहाँ पे दूर जो ट्रेन जा रही है उसका तो नज़ारा ही अलग हो रहा है, बिल्कुल गजब नज़ारा है। इस बात पे एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हमने बड़ी मेहनत के साथ हमारी ट्रेन को पकड़ लिया दूसरी वाली। और यहाँ पे अब हमें पहुँचना होगा रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ पे जाके हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले हम वहाँ पे पहुँचे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के शाउट आउट की। आज का पहला शाउट आउट जाता है चिरू गेमिंग 5249 को। इन्होंने बोला है, भाई एक शॉर्ट आपकी वीडियो रोज देखता हूँ। तो भाई आप कैसे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, उसे लाइक जरूर कर दीजिए आप। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे शाउट आउट की ओर। आज का दूसरा शाउट आउट जाता है सौविक दास कॉम को। इन्होंने बोला है, 6 एक्सीडेंट हुआ है, शाउट आउट प्लीज। ओके, तो मैं समझ गया। एक्चुअली मैंने एक ट्रेन बनाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि बताओ इस गेम प्ले में कितनी ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ। तो उन्होंने उसी वीडियो पे कमेंट किया था कि 6 एक्सीडेंट हुए टोटल। मैं आपको शाउट आउट देता हूं और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हमारे तीसरे शाउट आउट की ओर। आज का तीसरा शाउट आउट जाता है अभियंता 6136 को। इन्होंने बोला शाउट आउट प्लीज। तो भाई आप कैसे, आप कमेंट में जरूर बताइए। एंड गाइज, अगर आप लोग भी आपकी कमेंट पे शाउट आउट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मैं आपको 110% शाउट आउट दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारी जर्नी की ओर। तो यहाँ पे शानदार स्पीड पकड़ ली है हमारी यहाँ पे ICF येलो कोच वाली ट्रेन ने। हम इसका लोकोमोटिव देखेंगे लास्ट में जाके, कौन सा लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को लेकर जा रहा है। और दूर यहाँ पे रेलवे जंक्शन को हमने क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे चलते हैं हमारे AC वाले कोच में, लेकिन AC वाले कोच में अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जर्नी जनरल कंपार्टमेंट में होती है वो अलग ही मज़ा रहता है। तो हम उस AC वाले में वातानुकूलित में नहीं जाने वाले। तो यहाँ पे डीकपल का ऑप्शन तो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इस तरफ ट्रैक है और दूसरी तरफ हमारे ट्रैक नहीं है। तो देखते हैं इस पे से कोई क्रॉसिंग हमें देखने को मिलती या नहीं। सिट कर जाते हैं, और यहाँ पे सिट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कोई क्रॉस हम पे। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्रॉसिंग हमें देखने को मिल सकती है। शानदार स्पीड में हमारी ट्रेन यहाँ से दौड़ रही है। स्पीड कम हो चुकी, लगता है कोई यहाँ पे रेलवे स्टेशन हमारा आ चुका है, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी आ चुकी है। यहाँ पे हम इस तरफ ट्रैक है, इस तरफ नहीं है, मतलब इस तरफ हमारा प्लेटफॉर्म आएगा। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि रिवर्स से ये ट्रेन जाती तो समझ में नहीं आता कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सी तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरफ आएगा। और यहाँ पे कुछ ही टाइम में हम पहुँचेंगे, थोड़ा आगे करके मैं आपको दिखाता हूँ जितना आगे जा सकूँगा। ओके, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हमारा अराइवल हो चुका है। यहाँ पे हम उतर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को ख़त्म नहीं करिए, इस वीडियो को नहीं हटाइए, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे एक शानदार क्रॉसिंग भी होने वाली है, हाई स्पीड क्रॉसिंग होगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिए और देखिए वो कौन सी ट्रेन थी। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम यहाँ पे एक बार बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही है तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कौन सी ट्रेन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे तो नहीं है, इस तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे मालगाड़ी यहाँ पे जबरदस्त स्पीड में यहाँ से क्रॉस करके निकली है, इसलिए यहाँ पे हमारी ट्रेन को रोका गया था, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही थी इस वाली मालगाड़ी की। जब यहाँ से मालगाड़ी निकल जाएगी तो हमारी ट्रेन को भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो आज की जर्नी यहीं तक थी गाइस। बताइए आपको ये डबल ट्रेन की जर्नी कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।